हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स, मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जामिया के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जामिया के एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं, एग्जाम की डेट हमारे पास आ चुकी है। तो क्या डेट है, किस जगह से फॉर्म भरना है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, हर चीज़ का बेसिक मैं क्लियर करूँगा। ये जामिया की सबसे पहले तो आप वेबसाइट देख लीजिए। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, jmi.cue.in पे जाना है, ठीक है। इस वेबसाइट पे नीचे जाते ही जो है आपको यहाँ पर ये एडमिशन का दिखेगा, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये वाला पेज आपका खुल जाएगा। यहाँ से आप प्रोस्पेक्टस और यहाँ से आप एडमिशन नोटिस निकाल सकते हैं। एडमिशन नोटिस में जो है एप्लीकेशन फीस लिखी हुई है कि 700 रुपए की फीस है, कुछ लोगों को रिलैक्सेशन भी है 250 रुपए का। और यहाँ से आप जो है साइन, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो दूसरी बार में साइन इन करेंगे, नहीं तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि हमने लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन किया था, लास्ट ईयर का आप किसी काम नहीं आएगा, हर साल नया करना पड़ता है। न्यू रजिस्ट्रेशन आपको जो है इस साल नए सेशन में करना है। जैसे ही आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद आपको फॉर्म भरना है, है ना। तो रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप है, फॉर्म भरना दूसरा स्टेप है। यानी कि एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और एक फॉर्म भरने के बाद दूसरे फॉर्म भी भरना चाह रहे हैं दूसरे कोर्सेज का, तो आप सेम रजिस्ट्रेशन एक बार ही करना, आपको साइन इन करके जो है दूसरा फॉर्म भरना है। कहने का मतलब ये भी है कि हर एक कोर्स में जामिया में फॉर्म अलग अलग भरना होता है, रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है। हाँ, 700 रुपए की फीस भी जो है सबकी अलग अलग देनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एम ए मास कम्युनिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया, फॉर्म भर दिया, हो गया काम। उसके बाद कन्वर्जेंट में भी जाना है तो साइन इन कीजिए, उसके बाद जो है आप कन्वर्जेंट का फॉर्म भी 700 रुपए देते हुए भर दीजिए। तो इस तरीके से आप जितने भी कोर्स में जाना चाह रहे हैं जामिया के, रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भर सकते हैं और जा सकते हैं। फॉर्म भरना बहुत सिंपल है, तो मैं उस चीज पे नहीं जाऊंगा कि फॉर्म भरने में यहाँ क्लिक कीजिए, बहुत ईजी है ना। रजिस्ट्रेशन कर लिया उसके बाद में फॉर्म भर दीजिए, डिटेल्स मांगे तो वो भर दीजिए। कुछ कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे बता सकते हैं। एग्जामिनेशन की डेट भी आ चुकी है और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म की डेट तो आएगी ही, जो कि 20 फरवरी से 30 मार्च तक है, 20 फरवरी 30 मार्च। इस बीच में जो है 1 महीना 10 दिन आपके पास है, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो एडिटिंग का ऑप्शन भी यहाँ होता है, जिस तरीके से करेक्शन विंडो होता है सीयूटी में, वैसा ही सिस्टम यहाँ पर पिछले साल से जामिया ने इंट्रोड्यूस किया था, जिससे आप फॉर्म में अगर किसी तरह की गलती हो तो एडिट भी कर सकते हैं। बहुत छोटी मोटी गलती जो है एडिट होती है, तो फॉर्म पहले से ही आप ध्यान से भरे, एडिटिंग का लफड़ा रखें ही मत। अब देखिए कि ये जो आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है ये हिंदी डिपार्टमेंट के कोर्सेज हैं, इनके एंट्रेंस एग्जाम की डेट ये है। जो आपको ब्लू में दिखाई दे रहा है ये एजे के एमसीआरसी वाले कोर्सेज हैं, ठीक है, जिनकी एग्जाम की डेट ये है। बीच में जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये मीडिया एंड कल्चर करके एक डिपार्टमेंट है, मीडिया गवर्नेंस का, इसके एग्जाम की डेट ये है। तो एग्जाम की डेट आपको दे दी गई है, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट दे दी गई है, यही डेट रहेगी। पिछले साल भी जो है जामिया ने कोई चेंज नहीं किया, कोई मतलब एक्सटेंशन होता है कि अरे चलो 4 दिन और बढ़ गई है डेट, जैसे सीयूटी वगैरह में आपने देखा होगा, वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो डेट दे दी वही है, एग्जाम की जो डेट आ गई है वही है, इसमें कुछ भी चेंज अब जो है नहीं होना है। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि यही एग्जाम की डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है आप टाइम पे भर दीजिए। तो पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, एमए मास मीडिया, पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म, ये 3 कोर्सेज हैं मेनली हिंदी डिपार्टमेंट में, जो कि मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म से जुड़े हुए कोर्स हैं, इनके एग्जाम की डेट ये है, ठीक है, 8, 13 और 14, ठीक है। मीडिया गवर्नेंस की 25 को है, मास कम्युनिकेशन कन्वर्जेंट जर्नलिज्म, इन दोनों का एग्जाम सेम डे है, टाइमिंग अलग अलग है, तो इन दोनों का फॉर्म भी अगर भरना चाहें तो आप भर सकते हैं। बस हेक्टिक थोड़ा ज्यादा होगा, पहले 3 घंटे का एग्जाम ये देके आएंगे, फिर 3 घंटे का ये देंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा। ये भी काफी अच्छा कोर्स है ना, तो इसका भी जो है एग्जाम 3 घंटे का होता है और 29 अप्रैल को इसका एग्जाम है, और ये एग्जाम जो है आपके मई में है, ठीक है। तो ये 8 मई को एग्जाम है, ये 13 मई को एग्जाम है, ये 14 मई को एग्जाम है, ठीक है, ये 25 अप्रैल को एग्जाम है, तो जो 4th महीना होता है वो अप्रैल का होता है, 5th वाला मई का होता है। अरे ये क्या होता है सर, ये तो अभी मालूम है, ओके। तो यहाँ मैंने वेबसाइट वगैरह बात बताई थी, एप्लीकेशन फी भी बता दी। कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं, जैसे IMC में एज का क्राइटेरिया है पीजी डिप्लोमा कोर्सेज को लेकर, जामिया में वैसा कुछ नहीं है तो उसकी दिक्कत नहीं है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना था कि प्रोस्पेक्टस में ये डिटेल्स दी हुई है कि किस कोर्स के अंदर जो है किस तरह का
रेस्ट्रिक्शन है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि भाई 50% से नीचे वाले एजेकेएमसी वारसी वाले कोर्स में नहीं जा सकते हैं, हिंदी डिपार्टमेंट में 45% चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में मार्क्स, है ना। तो उससे नीचे अगर आपके जा रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी जामिया में जाने में। एज का क्राइटेरिया जामिया के इन कोर्सेस में नहीं है। प्रोस्पेक्टस में फीस भी आपको लिख कर दी हुई होती है, जैसे कि मीडिया गवर्नेंस की जो फीस है, 4 सेमेस्टर की फीस जो है 7,425 रुपये मात्र, 7,425 रुपये मात्र फीस है चारों सेमेस्टर की। बताओ इतनी सी फीस और कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत जो है एक्स्ट्रा लगता है, ये नॉमिनल फीस है मीडिया गवर्नेंस की। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में अगर हम बात करें तो इसकी फीस भी कम ही है, थोड़ा सा पीजी डिप्लोमा वाला ये जो कोर्स है जो कि G07 काफ़ी अच्छा कोर्स माना जाता है, इसकी फीस जो है 43,000 रुपीज़ है। ये थोड़ा सा महंगा है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकली काफ़ी होता है और इंडस्ट्री में लोग आके यानी कि गेस्ट फैकल्टीज पढ़ाती है, तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। बाकी सारे कोर्सेज इसके भी बड़े सस्ते हैं। और ये भी दिखा देता हूँ कि AJKMCRC की फीस क्या है, तो इसकी फीस थोड़ी सी ठीक ठाक है, यानी कि ये कह सकते हो कि इसकी नॉमिनल टाइप की नहीं है, ठीक ठाक फीस है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई फीस नहीं है अगर आप देखेंगे तो, कंपेयर करेंगे अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से जिसकी 3-4 लाख रुपए के आसपास हो जाती है काफ़ी, और वैल्यू उतनी नहीं रह पाती जितनी AJKMCRC ने जो बिल्डअप की है अपनी। तो ये काफ़ी प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट्स या कोर्सेज हैं और ठीक ठाक फीस है, यानी कि अफोर्डेबल है, आप अफोर्ड कर सकते हो। और इस तरीके से आपको देनी होती है, जैसे फी फर्स्ट ईयर आपको ये देनी है, सेकेंड ईयर आपको ये देनी है, ठीक है, तो ऐसा लिखा हुआ। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, सीट्स भी आपके सामने लिखी हुई है कि किस कोर्स में कितनी सीटें हैं, जैसे कि MMS कम्युनिकेशन में 50 सीटें हैं, कन्वर्जेंट जर्नलिज्म में 20 सीटें हैं, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में 20 सीटें हैं, तो ये सीट्स भी जो है आपके सामने लिखी हुई है। और यहाँ इसी तरीके से जो है ये भी आपके सामने सीट्स लिखी हुई है, पीजी डिप्लोमा इन टीवी के अंदर या हिंदी मीडियम वाला भी जो जर्नलिज्म वाला है, इन सब में 40-40 सीटें जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद ये भी समझ में आना चाहिए कि कितना क्या करना पड़ता है एंट्रेंस एग्जाम में। तो एंट्रेंस एग्जाम टफ होता है, कॉम्पिटिशन ठीक ठाक है, मतलब एग्जाम टफ नहीं आता कि बहुत ज़्यादा कुछ पूछ लिया हो, लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होना है, तो एक एक नंबर की भी जो है आपको मारामारी करनी पड़ती है, सोच समझ के कुछ करना पड़ता है। एग्जाम ठीक है, ठीक ठाक लेवल का आता है, ना तो आप टफ कह सकते हैं ना ईजी कह सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन ठीक ठाक है ये तो आपको कहना पड़ेगा। यानी कि एग्जाम पास करने के लिए आपको हाथ पाँव तो मारने पड़ेंगे, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, उसके बिना आप पास नहीं हो सकते, ठीक है। रिजर्वेशन अगर आपको मिल रहा है जामिया में क्योंकि माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट हो तो आपको जो है कम मार्क्स में भी सिलेक्शन मिल जाता है, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी में कंसिडर हो रहे हैं यहां, तो फिर आपको अच्छी खासी मेहनत करके ही जाना पड़ेगी। 2022 की कट ऑफ और 2023 की कट ऑफ दोनों हमारे पास है, दोनों आप देख सकते हो, और ये वाली PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो जिसमें हर तरह की डिटेल आपको दी हुई, इसके अलावा भी काफ़ी डिटेल्स हैं। तो जैसे कि ये कोर्सेज हैं, जैसे कि ये वाले आपके AJKMCRC वाले आप मान लीजिए, मीडिया गवर्नेंस भी एक बार के लिए इसमें मान लीजिए, तो ये वाले जो कोर्सेज हैं जो मेनली इंग्लिश में चलते हैं, इनके एंट्रेंस एग्जाम भी जो है इंग्लिश में ही होते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे इसमें हिंदी में एग्जाम देके भी आ जाते हैं, और इक्का दुक्का एक्सेप्शन ऐसा भी है कि सिलेक्शन हो भी गया है, क्यों हो गया है बिना प्रोविजन के मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स आते हैं आपको जो पेपर मिलेगा वो इंग्लिश में मिलेगा, इनका जो पेपर मिलेगा जो कि हिंदी डिपार्टमेंट का ही कोर्स है, तो पेपर पूरा हिंदी में ही होगा, हिंदी में लिखना पड़ता है, इसमें इंग्लिश वाले का तो सिलेक्शन आप भूल ही जाइए कि होगा, ठीक है। फिर भी कुछ बच्चे दे के आते हैं तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आप पेपर आपको पूरा हिंदी में दिया जा रहा है, आप इंग्लिश में लिख के आ रहे हैं, पूरा पेपर आपको इंग्लिश में दिया जा रहा है, कोर्सेज इंग्लिश में चलते हैं, आप हिंदी में एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं जानबूझ के, तो फिर मैं हाथ पकड़ के थोड़ी रोकूंगा। प्रोविजन जो है वो मैंने बता दिया कि ये वाले इंग्लिश के हैं, M20, 21, 22, M18 ये इंग्लिश के हैं, जी वाले जो हैं आपके हिंदी डिपार्टमेंट के कोर्सेज हैं, इनका एग्जाम हिंदी में होता ही है, ठीक है। और देखिए सीट्स आपके सामने हैं, जनरल सीट भी मैंने बता दी अप्रोक्सीमेटली कि लगभग इतनी सीटें हैं, कट ऑफ भी मैंने जो है आपको बताई है एक साथ सबकी, और टोटल मार्क्स के हिसाब से भी मैंने बताया कि कितने मार्किंग होती है, क्योंकि इसमें देखिए कि ये आपका जो मास कम्युनिकेशन वाला कोर्स है, इसमें आपके 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 180 नंबर का रिटर्न एग्जाम, और उसके साथ पोर्टफोलियो, फिर इंटरव्यू, ठीक है। तो ऐसे करके जो है आपका वेटेज टोटल 300 मार्क्स का बनता है, और इन तीनों का जो है एक ही जैसा है,
मीडिया गवर्नेंस का थोड़ा सा अलग है और इन तीनों का एकदम सेम है। इसमें 40 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, 60 मार्क्स का रिटन एग्जाम जो है इन पीजी डिप्लोमा प्रिंट में ये जो है होता है, ठीक है। इसको आप हिंदी जर्नलिज्म कह सकते हैं या प्रिंट पर ज्यादा फोकस थोड़ा सा कर जाता है ये। तो ये वाला जो एग्जाम है आपका हिंदी डिपार्टमेंट वाले 40 एमसीक्यू 60 नंबर का 5-6 क्वेश्चन लिखने का, ठीक है। तो ये एग्जाम इस तरीके से, और इसमें 20 नंबर के एमसीक्यूज, 180 नंबर के आपके जो है रिटन। इसमें 20 नंबर के जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसमें जो 40 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अब आप चाहेंगे कि और डिटेल बताएं तो मैंने हर एक डिपार्टमेंट का जो है आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है। तो अगर आप ये प्लेलिस्ट देख लेंगे तो आपको हर एक डिपार्टमेंट का बेसिक पता चल जाएगा, कैसे एंट्रेंस एग्जाम आता है, पूरा पेपर भी एनालाइज किया हुआ है, तो उससे भी आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या है। और इस तरीके से वीडियोस की लिंक मैंने पीडीएफ में भी दी हुई है, प्लेलिस्ट की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको मैं दे दूंगा। ये हमारा मीडिया एग्जाम्स का प्लेटफॉर्म है, अगर पसंद आया तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मीडिया एग्जाम्स नाम से ही जो है टेलीग्राम चैनल है, और इन सभी कोर्सेज की, ठीक है, इन सभी कोर्सेज की प्रिपरेशन जो है हमारे मीडिया एग्जाम्स के प्लेटफॉर्म पे होती है। पिछले 6 सालों से मैं ये प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, काफ़ी सारे स्पेडेंट्स जो हैं हमारे सेलेक्ट हुए हैं, वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आप कह सकते हैं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।